প্রশাসন হয় 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 আপনাদের মন ফাঁসে দো ফাঁসে দো ফাঁসে দো नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एसआर न्यूज। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूँ पट्टा सिटी चौक पे और आज यहाँ पे सभी पार्टियों द्वारा जो लगातार पट्टा सिटी में हत्याओं का दौर जो जारी है उसके खिलाफ आज सड़कों पर उतर चुके तमाम पार्टियों के, यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरी तरीका से राजद हो, भाकपा माले हो और भी कितनी अन्य पार्टियाँ हैं, सभी लोग बंद कर का आह्वान किया आज पटना सिटी को। उसी के इसमें आज लोगों सड़क पर उतर चुके हैं, तमाम व्यवसायी अपने अपने दुकानें बंद रखे हुए हैं, जो लगातार सिटी में हत्याएं को दौर हो रहा है। पुलिस के लिए जन आक्रोश है, पुलिस के खिलाफ नाराजगी है, सरकार के खिलाफ नाराजगी है, तमाम लोग खफा है। यहाँ पर लगातार सिटी जो व्यवसायियों का गढ़ है, यहाँ पर लगातार हत्याएँ हो रही है, लेकिन किसी तरह का कोई भी सुरक्षा व्यवसायी को नहीं दिया जाता है। तमाम व्यवसायी नाराज है, खफा है, तमाम पार्टियां यहाँ पे पूरा सिटी को बंद किया है और लोग सड़क पर उतर चुके हैं और क्या कहा उन लोगों ने, आइए सुनते हैं उनसे। पटना सिटी की व्यवसायी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पटना सिटी की महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठेला रिक्शा भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज क्या मांग को लेकर आप लोग पूरा पटना सिटी बंद का आह्वान किया है, जो लगातार यहाँ पे क्राइम ग्राफ बढ़ चुका है, व्यापारियों का मर्डर हो रहा है, उसके खिलाफ में आप लोग रोक? देखिए, लगातार जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है तब से पटना सिटी व्यवसायिक क्षेत्र असुरक्षित महसूस कर रहा है। लगातार घटनाएं घट रही है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, बड़े बड़े व्यवसायी की हत्या हो रही है और टारगेट बनाकर व्यवसायियों के साथ रंगदारी, लूट, अपहरण, तमाम घटनाएं पटना सिटी में बढ़ गई है। इसका उदाहरण है कि लगातार पटना सिटी में व्यवसायी की हत्या हुई है। एक छोटे से व्यवसायी की को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, कई बड़े व्यवसायी यहाँ से प्लान कर गए हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि पटना सिटी जो पूरे बिहार का हॉट है, मारूगंज, मंसूरगंज, तमाम मंडी है, उससे हजारों करोड़ रुपया राजस्व बिहार सरकार को जाता है, बस सुरक्षा देने में सफल है। सरकार का जो संकल्प है कि हम व्यवसायी को सुरक्षा देंगे, आप देख लीजिए लगातार जो एक नई व्यवसायी की हत्या हुई है, व्यवसायी असुरक्षित महसूस कर रहा है और आज तमाम व्यवसायी वर्ग, रिक्शा, टेम्पो चालक, तमाम सभी वर्ग के लोग आज समर्थन किया बंद का और अपराधी घटनाओं को रोक लगाने की मांग की है। और पुलिस प्रशासन क्या कहना क्या है, सभी चौक चौराहे पर दारू, अफीम और कूपन का धंधा चल रहा है, उनका व्यवसायी का मंडी कमजोर हुआ है और ताकत थानों का बड़ा है। हम सरकारों का स्तर पर जाँच करवाए कि कितना पटना सिटी में सारे थानेदार की आमदनी बड़ी है। इसलिए आज आप लोग जंग आक्रोश रोड पर निकल चुके हैं सरकार। आज हम लोग व्यापारियों की सुरक्षा की मांग को लेकर और बढ़ रहे लगातार पटना सिटी में हत्या का जो दौर चला है, व्यापारी यहां से पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा की मांग को लेकर, अपराधियों पर नकेल कसने की मांग को लेकर, अपराधी घटना को नियंत्रित करने की मांग को लेकर, जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो दारू वाले को ढूंढ रही है और अपराधी बेलगाम है, दारू घर घर तक पहुंच रहा है, दारू का व्यवसाय जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरह कर रहा है और दूसरे तरफ अपराध में जो है आसमान छू रहा है। आज पटना सिटी जो व्यवसायिक क्षेत्र है, मछट्टा चौक, मंसूरगंज, मारूगंज, वहाँ के जो व्यवसायी हैं, जहाँ से सालाना हजारों करोड़ का जो है राजस्व सरकार को पहुँचता है, आज वहाँ के जो व्यापारी वर्ग है वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मांगों को लेकर आज जो है ये पटना सिटी में लगातार व्यवसायियों की जो हत्या हो रही है, ये हत्या ही नहीं बल्कि रंगदारी वसूली का भी इसके पीछे इनपुट छुपा हुआ है। लोग व्यवसायी से जबरन जो है वो ट्रैक पर रंगदारी वसूलते हैं, नहीं देने पर उनकी हत्याएं कर देते हैं। इसलिए ये पूरी तरह से एक छोटी समझी राजनीति का फल है। ये जो है इन लोगों ने जो है वो यहाँ के
व्यापारियों की हत्या की और लोगों पर भी इनका निशाना है। ये लगातार जो व्यापारियों की हत्या हो रही है इसमें मूल रूप से ये पुलिस गुंडा और अपराधी राजनेता सब लोग इसमें शामिल है और सब लोग किसी न किसी तरह से वो लूट में शामिल है। क्या मांग के लेकर? हमारा मुख्य मांग है कि जो अपराधी को शीघ्र पकड़ा जाए जो मूल अपराधी है और उनको स्पीडी ट्रायल करा के उन पर जो है मुकदमा चलाया जाए। उनका सफल है पटना सिटी के तमाम व्यवसायी दुकानदार रिक्शा ठेला टेम्पू चालक पूरा समर्थन दिए हैं सिर्फ इस बात के लिए कि पटना सिटी अपराध मुक्त हो। बीते दिनों जो स्थिति बनी हुई है पटना सिटी का अपराध ही अपराध है हर जगह अपराध के सिवाय और कुछ नहीं है। प्रशासन मस्त है और जनता जो है त्रस्त है।